सो गाइज, माय नेम इज़ आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। आज के हेल इन अ सेल 2022 में हमें बॉबी लेस्ली वर्सेस एमवीपी एंड ओमास के बीच में 2-on-1 हैंडीकैप मैच देखने को मिल रहा है। तो इस मैच के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार मीट करो तो सब्सक्राइब करना, नॉट फिक्शन पे ऑल पे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सेलिब्रेट वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइज, सबसे पहले जान लेते हैं कि इनकी राइवलरी की शुरुआत कैसे हुई। बॉबी लेस्ली वर्सेस ओमास के बीच में रेसलमेनिया 38 में हमें मैच देखने को मिलता है। मैच काफ़ी अच्छा रहता है। मैच में हमें यह देखने को मिलता है कि ओमास का जो आप कह सकते हो कि विनिंग स्ट्रिक था, उसको और किसी और ने नहीं बल्कि बॉबी लेस्ली तोड़ते हैं और वो ओमास को रेसलमेनिया 38 में हराते हैं। और उसके बाद गाइज हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि फिर रेसलमेनिया बैकलैश 2022 में हमें इन दोनों का मैच देखने को मिलता है, ओमास वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच में। तो मैं बता दूं कि रेसलमेनिया बैकलैश से पहले वाले मंडे नाइट रॉ में ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि एमवीपी बेटर कर देते हैं, यानी कि एमवीपी धोखा दे देते हैं बॉबी लेस्ली को और वो सपोर्ट करने लगते हैं ओमास को। फिर वहीं से थोड़ा सा ट्विस्ट आता है इनकी राइवलरी में। और फिर उसके बाद गाइज हमें देखने को मिलता है बॉबी लेस्ली वर्सेस ओमास एंड एमवीपी के बीच में एक राइवलरी देखने को मिलता है, जिसमें सेड्रिक अलेक्जेंडर भी आते हैं। फिर ओमास वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच में स्टील केज मैच देखने को मिलता है। स्टील केज मैच में डोमिनेट करते हैं ओमास, लेकिन उस मैच को गलती से बॉबी लेस्ली जीत जाते हैं क्योंकि वो केज के बाहर चले जाते हैं, ओमास उनको फेंक देते हैं और जिसका भी सबसे पहले पैर जाता है फुट पे यानी कि रूफ पे वो जीतता है उस मैच को। तो बॉबी लेस्ली उस मैच को जीत जाते हैं, स्टील केज मैच को। उसके बाद फिर WWE अनाउंस करती है कि ओमास वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच में सिंगल्स मैच होने वाला है, लेकिन गाइज उसमें MVP भी आके मतलब आप कह सकते हो कि ऐड हो जाते हैं क्योंकि बॉबी लेस्ली वर्सेस MVP के बीच में हमें मैच देखने को मिलता है। और WWE स्टिपुलेशन को ये ऐड करती है कि अगर इस मैच को MVP जीतेंगे तो वो मतलब जो सिंगल्स मैच है वो 2-on-1 हैंडीकैप मैच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस मैच को MVP जीतते हैं और फिर WWE अनाउंस करती है कि हेल इन अ सेल 2022 में, जो कि आज के हेल इन अ सेल में राइट नाउ ये वाला मैच हमें देखने को मिल रहा है, कुछ इस प्रकार से WWE अनाउंस करती है कि बॉबी लेस्ली वर्सेस ओमास एंड MVP के बीच में 2-on-1 हैंडीकैप मैच होगा, जो कि राइट नाउ हमें देखने को मिल रहा है। और ये वाला मैच ऑफिशियल तौर पे स्टार्ट भी हो चुका है आज के हेल इन अ सेल 2022 में, बिटवीन बॉबी लेस्ली वर्सेस ओमास एंड MVP के बीच में 2-on-1 हैंडीकैप मैच है। 2-on-1 हैंडीकैप मैच में क्या ही मतलब आप लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि हो सकता है कि बॉबी लेस्ली पे डोमिनेट कर सकते हो ओमास एंड MVP, क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर अटैक करेंगे मतलब बॉबी लेस्ली पे। तो हो सकता है कि इस मैच को बॉबी लेस्ली हार सकते हैं, बाकी लेट्स सी, हमें देखना होगा कि इस मैच का क्या रिजल्ट होता है। लेकिन मेरे को जहां तक की लग रहा है कि इस मैच को और कोई नहीं बल्कि हो सकता है कि बॉबी लेस्ली जीत सकते हैं और वो हरा देंगे ओमास को। तो हमें देखना होगा कि ये वाला मैच हमें कैसा देखने को मिलता है, इस मैच को कौन जीतता है। लेकिन आज के लिए हेल इन अ सेल 2022 में हमें कुछ यही सीन देखने को मिल रहा है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।